हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और कल के वीडियो में हमने समझा कि लीप ऑप्शंस क्या होते हैं, उनका हमारे मार्केट में क्या रिलेवेंस है। तो देखिए, लीप ऑप्शंस लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को बोला जाता है, और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि हमारे मार्केट में इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूएस मार्केट में लीप ऑप्शंस बहुत ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को ट्रेड करने जाओगे तो वहां पे आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। इस वजह से लीप ऑप्शंस जो है ये हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, आप लीप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो हमारे मार्केट में भी, लेकिन सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पे, और वो है निफ्टी। आप निफ्टी में लीप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी के जो लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस होते हैं वहां पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी, वहां पे आप लीप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो आपको लीप ऑप्शंस पे ट्रेड करनी है, और ये स्ट्रेटजी लीप ऑप्शंस पे बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है स्ट्रैडल। एक स्ट्रैडल को हम लीप ऑप्शंस पे ट्रेड करेंगे, और ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और एक स्ट्रैडल को ट्रेड करके दिखाता हूं लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में। तो देखिए, ये मैं आपको होपस्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं, और अभी जो सीरीज चल रही है ये है सितंबर की सीरीज। तो यहां पे अब मैं आपको लीप ऑप्शंस में स्ट्रैडल को ट्रेड करके दिखाता हूं और दिखाऊंगा कि आपको यहां पे क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 16858। दैट मींस आप ये मान के चलिए 17000 है वो एट द मनी का लेवल है, हालांकि मार्केट वहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे है। तो 17000 है, इसको हम मान के चलते हैं कि ये एट द मनी का लेवल है, वहां का हम एक स्ट्रैडल ट्रेड करना चाहते हैं। तो देखिए, आपको स्ट्रैडल हमेशा दिसंबर ऑप्शंस में ट्रेड करनी है, और ये आपको इनिशिएट कब करनी है, जनवरी में। जी हाँ, जनवरी में आप दिसंबर के ऑप्शंस में जाके और एक स्ट्रैडल को ट्रेड करोगे, और इसका बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो देखिए, मैं जनवरी की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी जो सीरीज चल रही है ये सितंबर की है। तो अगर मैं आज भी दिसंबर की सीरीज में ट्रेड करता हूं तो देखिए किस तरह का पेऑफ चार्ट बनता है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं, दिसंबर सीरीज लगा देता हूं मैं। 29th ऑफ दिसंबर को एक्सपायरी है, तो ये मैंने दिसंबर सीरीज लगा दी है, और यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रैडल को ट्रेड करके दिखाता हूँ। आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, आज 28th ऑफ सितंबर है, और उस दिन मैं दिसंबर सीरीज की एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब जो टाइम टू एक्सपायरी है वो सिर्फ 3 months है, और उसमें आपको किस तरह का पे ऑफ चार्ट दिखता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर अगर आप जनवरी में करते हो तो आपको किस तरह का पे ऑफ चार्ट मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मार्केट 17000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 17000 जो कि एट द मनी का लेवल है, वहीं की एक स्ट्रैडल को मैं ट्रेड करूंगा। तो 17000 का मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, और 17000 का ही मैं एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया है, एट द मनी का कॉल और पुट दोनों ऑप्शन सेल कर दिए हैं, मैंने एक स्ट्रैडल को डिप्लॉय कर दिया है, और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो अब आप यहां पे देखिए, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 68,900 रुपीज का है। मतलब ये आपने क्रेडिट रिसीव किया है, आपने 687 प्लस 690 ये क्रेडिट रिसीव किया है ये स्ट्रैडल को सेल करके। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, और यहाँ पे अपने ब्रेक इवन को आप देखिए, 15600 से लेके 18400 तक आपको एक वाइड रेंज मिल रही है। अगर मार्केट 15600 से लेके और 18400 के बीच में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 69,000 रुपीज का है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट्स की है। 2700 पॉइंट्स की आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है, और ये आपको कब मिली है, जब सिर्फ एक्सपायरी होने में 3 months बाकी हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको एक वाइड रेंज मिलती है। यहाँ पे आपको हेजिंग बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मार्केट की एक वाइड रेंज को कवर किया है। अगर यहाँ पे मार्केट में कल 500 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन भी होता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह के मूव्स को भी इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस को ट्रेड करने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपको एक तो एक्टिवली मैनेज नहीं करना होता है, दूसरा आपको जो रेंज मिलती है वो काफी वाइड मिलती है। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स करने की भी जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बुरा इवेंट हो, कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो। ऐसा नहीं होगा कि हर 300-400 पॉइंट के मूव पे और आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप लीप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आपकी रेंज है वो वाइड होगी, आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको एक्टिवली पोजीशन को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो सिर्फ 3 months का मैंने आपको दिखाया है, अभी सितंबर का एंड चल रहा है, और तब मैंने एक दिसंबर की स्ट्रैडल को ट्रेड किया है, उसका पे ऑफ चार्ट ऐसा बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको स्ट्रैडल कब ट्रेड करना है, जनवरी मंथ में, आपको जनवरी मंथ में और दिसंबर ऑप्शंस को ट्रेड करना है। तो ऑप्शन में तो नेक्स्ट 3 सीरीज है वही अवेलेबल होती है, तो 2023 के दिसंबर की सीरीज यहां पे अवेलेबल नहीं होगी। तो मैं आपको
ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ, जो एनएसई की साइट पे निफ्टी की ऑप्शन चेन है वहां पे मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि निफ्टी के 2023 के दिसंबर ऑप्शंस में भी लिक्विडिटी होगी और वहां पे अगर मैं एक स्ट्रैडल को ट्रेड करता हूँ तो आपको किस तरह का प्रीमियम मिलता है। तो मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मैं एनएसई पे निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए 29 सितंबर की सीरीज जो कि अभी करंट सीरीज है, मैं लगा लेता हूँ 2023 की दिसंबर सीरीज को। तो 2023 में आप दिसंबर में देखिए 28th ऑफ दिसंबर को एक्सपायरी है 2023 में, तो इस सीरीज को मैं लगा लेता हूँ और मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 17,000 पे। तो अगर आपको आज दिसंबर 2023 के ऑप्शंस को ट्रेड करना है, एक स्ट्रैडल को ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूंगा 17,000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा, 17,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। अब आप देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने में अभी 13 मंथ्स बाकी हैं। जी हाँ, ये 2023 के दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, 13 मंथ्स बाकी हैं, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे लिक्विडिटी देखिए। हालांकि आपको ये फर्क दिख रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 1880 पे सेलर खड़ा है और 1908 पे बायर खड़ा है। वहीं पे अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे सेलर है वो 1485 पे खड़ा है और जो बायर है वो 1510 पे खड़ा है, तो डिफरेंस है ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है इतने लॉन्ग टर्म के ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो 1900 प्लस 1500 मतलब आपको टोटल 3400 रुपीज का क्रेडिट रिसीव होता है। 3400 रुपीज का क्रेडिट आपने रिसीव किया है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी प्रॉफिटेबल रेंज कितनी रहने वाली है इस ट्रेडल में 7000 पॉइंट्स की। जी हाँ, अगर निफ्टी 7000 पॉइंट की रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा, ऑलमोस्ट 1,75,000 रुपीज। अगर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के नियर बाय अमाउंट आएगी। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1,75,000 रुपीज के आसपास होगा, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो 7000 पॉइंट्स की होगी। तो एक बहुत वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपको मिल रही है, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज मार्केट के ऑलमोस्ट 40% है, तो आपको एक बहुत वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिल रही है। लेकिन अब आपका यहां पे सवाल होगा कि ये जो प्रॉफिटेबल रेंज है ये दिसंबर 2023 तक है, मतलब मार्केट दिसंबर 2023 तक इस रेंज को तोड़ सकता है, ये कोई एक महीने की रेंज नहीं है। और दूसरी बात, जो मुझे प्रॉफिट होगा 1,75,000 रुपीस का, ये भी दिसंबर 2023 में होगा। तो बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, आपको दिसंबर 2023 तक इस ट्रेड में रुकना ही नहीं है। आपको जब 20% ऑफ मैक्स प्रॉफिट हो जाए तब आप निकल जाओगे और 20% ऑफ मैक्स प्रॉफिट आपको विद इन फ्यू मंथ्स हो जाएगा। अगर आप इस ट्रेड में 3-4 मंथ्स रहते हो तो आपको 20-25% प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब अगर आज आप इस ट्रेड को इनिशिएट करते हो और अगर दिसंबर में आप इस ट्रेड से एग्जिट होते हो, दैट मींस आप इस ट्रेड में 3 मंथ्स के लिए रुके हो और 1,75,000 का अगर मैं 25% करता हूं तो ये कितना आता है, ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज। तो आपको 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है विद इन 3 मंथ्स। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल दिसंबर 2023 का है, लेकिन आपको तब तक ट्रेड में नहीं रुकना है, आपको ट्रेड में सिर्फ 3-4 महीने के लिए रुकना है और वहां पे आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज का। तो विद इन 3-4 मंथ्स आपको 40,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पे आपकी कैपिटल डिप्लॉयड कितनी होगी, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज पे आपको 40,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है विद इन 3-4 मंथ्स। तो ये पावर होती है लीप ऑप्शंस को ट्रेड करने की, और मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 महीने में और निफ्टी 7,000 पॉइंट की रेंज के बाहर जाएगा। तो जो रेंज आपको मिल रही है ये भी बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, आपको इजी प्रॉफिट होगा, आपको एक्टिवली इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपका पीस ऑफ माइंड है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैं उनमें आपको ट्रेड करना चाहिए। इंडिया में इसका रिलीवेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन निफ्टी में बिल्कुल आपको ऑप्शन मिलता है कि आप लीप ऑप्शंस को ट्रेड कर पाए, तो इसका फायदा उठाइए। जनवरी मंथ में आप दिसंबर ऑप्शंस के स्ट्रैडल्स को ट्रेड कर सकते हैं, ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, और आप चाहो तो पीछे का डेटा लेके आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो चलिए, इस तरह से आप लीप ऑप्शंस को निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। और इसको ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी है, एक स्ट्रैडल। स्ट्रैडल कोई मेरी बहुत फेवरेट स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में स्ट्रैडल मैं खुद भी ट्रेड करता हूं। जनवरी मंथ में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रैडल मैं खुद अपने अकाउंट में भी ट्रेड करता हूं, तो ये एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है और आप इसको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में कर सकते हो, स्टॉक्स या बैंक निफ्टी में आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज 2 अक्टूबर को, मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं। ये वर्कशॉप ऑप्शन बाइंग पे होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप प्रॉफिटेबली ऑप्शन बाइंग किस तरह से कर सकते हो, आपका सेटअप क्या होना चाहिए, आप कैसे ऑप्शन बाइंग से वेगा और थीटा के रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हो, जो कि एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वर्कशॉप में, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा
बताऊंगा कि आप ऑप्शन बाइंग में किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो ये नीचे मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।